आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। होते ना, कई घटनाएं होती थी, जैसे आजकल के बच्चों को पतंग उड़ाना नहीं आता, तो मेरे को वो बोलते थे, अरे उनको मालूम था मैं खूब पतंगबाजी करता था पहले, तो बोले अरे आजकल के औलादों को पतंग नहीं उड़ा, उड़ा के दिखा था जरा। तो मस्त मैदान में आकर के पतंग उड़ा के दिखा रहा था उनको, सब बच्चों को दिखा रहा, लोग भी उड़े, क्या बुढ़ा पतंग उड़ा रहा है। और पिताजी मेरे को बोले, अब ये पतंग उड़ा रहा है ये मेरा लड़का है, या ये 2-2 लाख लोगों को शिविर में लोगों को प्रवचन देता है वो मेरा लड़का है। मैंने बोला पतंग उड़ा रहा है तुम्हारा लड़का है, प्रवचन दे रहा है वो और कोई है। वो माध्यम है किसी का, लड़का ये तुम्हारा है जो पतंग उड़ा रहा है तुम्हारा लड़का। तो कहने मतलब जब पिताजी के अंदर चेंज आया, पिताजी के अंदर बदलाव है, तब जाके आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुई है, आध्यात्मिक प्रगति हुई है। तो आप भी आपके माँ बाप से जब तक रिलेशन अच्छे नहीं कर लेते, जब तक माँ बाप को खुश नहीं करते, माँ बाप को प्रसन्न नहीं करते, आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। और तीसरा चक्र है विशुद्धि। विशुद्धि यश का स्थान है। तुम्हारे तुम्हारे भाइयों से, तुम्हारे तुम्हारे बहनों से रिलेशंस कैसे हैं, उसके ऊपर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। अब ये साधकों का, साधकों को ही ठीक करना पड़ेगा ना। तुम्हारा पति पत्नी के रिलेशंस कैसे है तुमको ठीक करना पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप से रिलेशंस कैसे है तुमको ठीक करना पड़ेगा, तुमको तुम्हारे भाई बहनों से रिलेशंस कैसे है ठीक करना पड़ेगा। मैंने भी मेरे जीवन में जब बहनों से रिलेशंस अच्छे किए तब जाके आध्यात्मिक प्रगति हुई है। कई सालों तक कोई रिलेशंस नहीं थे। दूसरा, रिलेशन नहीं रखना भी खराब रिलेशंस के कैटेगरी में आता है। कैसे आता है, बहने याद करती होगी ना कि अरे पहले अपन भाई के साथ कैसे बचपन में रहते थे, आजकल तो भाई चिट्ठी भी नहीं देता, पत्र भी नहीं बोलता, फोन भी नहीं करता। अच्छा, बहनों से रिलेशन अच्छे किए मतलब उनको समर्पण में लाए, ऐसा नहीं है। उनको जिस मार्ग का इच्छा थी, जिस मार्ग में इंटरेस्ट था, उस मार्ग के लिए उनको प्रोत्साहित किया, हेल्प किया, तो ऑटोमेटिकली उनसे रिलेशन अच्छे हो गए। मेरे को भाई कोई है नहीं, तो बहनों से जब रिलेशन अच्छे हुए तब जाके आध्यात्मिक प्रगति हुई। ये जितने बातें बता रहा हूं ना, ये सब मेरे जीवन के जीवंत अनुभव है। कोई पुस्तक से पढ़ करके आपको नहीं बता, पुस्तकें पढ़ता ही नहीं। तो मेरे गुरु ने कहा, साधक ये अपने रिलेशन जब तक अच्छे नहीं कर सकते तब तक तू कुछ नहीं कर सकता, तू क्या कर सकता है उसमें। हाँ, तू उनको सिर्फ बता कि ये तुम्हारे संबंध अच्छे करो तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। मैंने दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा बता दिया सबको। लेकिन मेरी शुद्ध इच्छा है जैसी मेरी स्थिति है वैसी सबकी स्थिति हो। लेकिन ये प्रयत्न, ये प्रयास तुमको तुम्हारे ही करना होंगे। दूसरा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में कई ऐसे माध्यम दिए गए हैं जिनके द्वारा हम हमारी आत्मिक प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन उन मार्गों से हम आज विमुख हो गए। जिस प्रकार से उनका अवलंब करना चाहिए वैसा अवलंब नहीं करते। उसमें का एक मार्ग है पूजा। अब आपके दादाजी को नाना जी को पूछो ना, पहले के समय में पूजा घर का मुखिया करता था, घर का जो प्रमुख व्यक्ति है वो पूजा करता था। लेकिन आजकल वो प्रमुख व्यक्ति को समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है।
वो अपने धंधे में अपने नौकरी में लगा रहता है, उसको पूजा करने को टाइम नहीं रहता। तो वो क्या करता है, पत्नी पे डाल देता है, पत्नी भी आजकल नौकरियां करने वाली है, उनको भी टाइम नहीं रहता है। वो क्या करती है, अपने कॉलेज जाने वाली लड़की के ऊपर डाल देती है, तू कर। कॉलेज जाने वाली लड़की को भी टाइम नहीं रहता, उसको बहुत दूर कॉलेज रहता है, वो अपने और छोटे जो 10वीं में भाई है उसके ऊपर डाल देती है कि तू पूजा कर। 10वीं वाला भाई उसका अभ्यास रहता है तो और छोटे अपने 5वीं वाले भाई के ऊपर डाल देता है कि तोरे तू पूजा कर। वास्तव में पूजा मन की एकाग्रता करने का माध्यम है। क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, पहले रेशमी वस्त्र पहनना और मन में भाव लाना कि मैं ये परमात्मा के लिए कर रहा हूं, फिर चंदन घिसना, और चंदन घिसते समय भी ये पूर्ण भाव रखना, ये मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं। फिर एक एक भगवान की मूर्ति को नीचे लाना, उसको पानी से निलाना, दूध से निलाना, फिर पानी से निलाना, फिर पोछना, फिर चंदन लगाना, हल्दी कुमकुम चलाना, फूल चढ़ाना, कपूर जलाना, अगरबत्ती जलाना, प्रसाद दिखाना, आखिरी में आरती करना, जय देव जय देव जय देव। यानी क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मन को एकाग्र करने का माध्यम पूजा है। लेकिन आज इस माध्यम से हम विमुख हो गए हैं, वंचित हो गए हैं। आजकल पूजा करने को किसी को टाइम ही नहीं है। सबसे घर के छोटे बच्चे को पूजा करने को बोलते हैं, वो बच्चा भी मजबूरी में करता है, उससे छोटा कोई होता ही नहीं, तो सब भगवानों को लेता है, खड़खड़ 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 धोता है, रख देता है। अच्छा, घर के लोग भाषा भी ऐसे ही बोलते हैं, बर्तन मांज डाल, कपड़े धो डाल, पूजा कर डाल। यानी बर्तन मांजने में और पूजा करने में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान है, एक जैसे काम है। तो पूजा जैसा सशक्त माध्यम आज हम खो चुके हैं। दूसरा माध्यम था मंदिर। मंदिर में जाकर के पूर्ण भाव के साथ मूर्ति से अपना संबंध स्थापित करना। तो अंतर्मुखी शक्तियां मूर्ति में स्थापित होने के कारण हमारी भी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है और हमको मंदिर में जाके अच्छा लगता है। लेकिन वो माध्यम भी हम खो चुके हैं। हम मंदिर में मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए जाते हैं, हम मांगने जाते हैं। मेरा ये काम कर दो, मेरी ये समस्या दूर कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो। थोड़ा समझो ना, समस्या शरीर की है। जब तक जीवन तो, जब तक समस्या रहेगी, एक खत्म होगी दूसरी चालू कर लोगे। और तुमको समस्या है मतलब तुम में समस्या है। तो मंदिर जो एक अच्छा माध्यम था जिससे अंदर की स्थिति अच्छी हो सकती थी, वो साधन भी हमने खो चुके हैं। वहां भी मांगने को जाते हैं। तीसरा साधन था दान। भारतीय संस्कृति में दान को भी महत्व है बहुत। दान यानी कोई आए उसके लिए एक रुपया फेंक देना दान नहीं है। अपनी समस्याओं से अपना चित्त हटा करके दूसरों की समस्या की तरफ देखना दान है। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपका चित्त आपकी समस्या पे से हट जाता है, दूसरा दूसरे की समस्या दूर करने के लिए आप सहायक सिद्ध होते हो। वास्तव में देखा जाए ना, दान को जितना महत्व दिया गया है, उस महत्व को न जानते हुए
हम दान करते हैं तो दान की जो रिजल्ट आना चाहिए, जो परिणाम आना चाहिए, वो हमारे जीवन में नहीं आते। आप ही आत्म परीक्षण करो, मैं जो कह रहा हूं कितना सत्य है। हम दान इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और बोलते भी एक रुपया दोगे तो 10 लाख मिलेगा। मैंने वो कोई म्यूचुअल फंड है क्या, कोई शेयर है जिसमें तुम 1 रुपया दोगे और 1 लाख मिलेगा? यानी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, दान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है कि मैं 1 रुपया दूंगा तो मेरे को 1 लाख मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट है, ये दान कहां हुआ? दानसरी के माध्यम को भी हमने खो दिया है। दूसरा, मेरा ये काम कर दोगे तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मतलब रिश्वत। भगवान को भी नहीं छोड़ा रे बाबा, एक जगह तो छोड़ो, डाकन एक घर छोड़ के कल के तुमने एक जगह भी छोड़ी, वो मंदिर को भी वहां रिश्वत का रूप ये बना दिया कि मेरा ये काम कर दोगे तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इतना पैसा दूंगी, इतना दान करूंगी, इतना। तो दान इन्वेस्टमेंट नहीं है, दान रिश्वत नहीं है। और दूसरा, इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा। अरे काय को अगले जन्म की आशा रख रहा है रे? अब तुम इच्छा ही कर रहे हो अगले जन्म मिलेगा, जा साले अगले जन्म में जा। क्यों अगले जन्म का सोचते हो? तुम्हारी सोच ही कैसी? देखो, दान को भी अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में दोगे अगले जन्म में मिलेगा। चौथा, अपने पाप कर्म कम करने के लिए दान करते है ना। कई साधु संत तो बोलते हैं, तूने इतना पाप किया 1 लाख रुपए दान कर, पाप मुक्त हो जाएगा। इतना दान किया 10 लाख रुपए दान कर, मुक्त हो जाएगा। ये कोई बनिया का चोपड़ा है क्या कि कम हो जाएगा, घट जाएगा? जितना पाप किया उतना भोगना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं कटने वाला है। कोई पैसे से पाप कटेंगे क्या? तुमने जो पाप कर्म किए वो तुमको भोगना ही पड़ेंगे। पैसे के दान देके उससे, दान से वो नहीं कटौती हो सकती। तो दान पाप कर्म काटने का माध्यम नहीं है, दान इन्वेस्टमेंट नहीं है, दान अगले जन्म में मिलेगा ये नहीं है, दान रिश्वत नहीं है, दान सरी के पवित्र शब्दों को भी सत्यानाश कर डाला। दान केवल और केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। एक रुपया दो, लेकिन किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। और आप इसलिए दे रहे हो कि उससे आपके मन को अच्छा लग रहा है। वहां पे दान करके मेरे मन को प्रसन्नता लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी आत्मा स्ट्रांग हो रही है, मेरी आत्मा सशक्त हो रही है, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे को अगला जन्म लेना ही नहीं है, तो अगले जन्म में मुझे चाहिए ही नहीं, मैं रिश्वत दे नहीं रहा हूं, मेरे पाप कर्म काट नहीं रहा हूं, कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई अपेक्षा रहित दान आत्मा के साथ करो। आत्मा को पवित्र करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को सशक्त करने के लिए दान करो। तो दान के अर्थ को समझो पहले, दान काय के लिए कर रहे हो? तो दान भी एक माध्यम था, वो भी हमने खो चुके हैं। अब बताओ, पूजा खो दी, मंदिर खो दिया, दान खो दिया, रहा क्या? अब एक और एक ही मार्ग बचा है, वो है ध्यान। अब इसको खराब मत करना, और कोई मार्ग बचा नहीं रे बाबा, कोई मार्ग बचा नहीं, एक ही मार्ग बचा है, ध्यान। ध्यान अपेक्षा के साथ मत करो, सारे माध्यम तुमने गंदे कर डाले, सब माध्यम दूषित कर डाले, सब माध्यम अशुद्ध कर डाले, अपवित्र कर डाले, इसको अपवित्र मत करो। ध्यान कोई अपेक्षा के साथ मत करो, ध्यान करने से मेरा ये हो जाए, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारे आत्मा को सशक्त होगा, आत्मा स्ट्रांग होगा, आत्मा मजबूत होगा, बस इसके लिए ध्यान कर रहे हैं।
आत्मा की प्रसन्नता के लिए ध्यान करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया, लेकिन आज उस स्थिति में हो कि मेरे को पाने के लिए जीवन में कुछ नहीं रह गया, ये स्थिति तुमको मिलनी चाहिए। अपेक्षा रहित तो दान करो, कोई अपेक्षा नहीं है। मैं थोड़ा समझाता हूं, अपेक्षा सारे साधना का सत्यानाश कर देती है, सारे ध्यान का सत्यानाश कर देगी, सारे साधना का सत्यानाश कर देगी, सारे समय का बर्बाद कर देगी। क्यों? थोड़ा समझ लो, अपेक्षा का संबंध आपके शरीर के साथ होता है, आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। ध्यान आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित करने का शुद्ध और शुद्ध माध्यम है, उसमें अपेक्षा ला करके उसको अपवित्र अशुद्ध मत करो रे बाबा, आखिरी मार गई है। ध्यान केवल इसलिए करो क्योंकि उससे आपकी आत्मा प्रसन्न, आपको अच्छा लगता है। क्या होता है, मेरे को तो सब दिखते रहता है, और ये सब दिखते रहता है ना, वही तुम्हारे सामने रख रहा हूं। इसमें ना दो प्रकार के साधक हैं, एक साधक है वो कोई ना कोई अपेक्षा लेकर के आते हैं, मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, आते हैं ध्यान में आते हैं, और वो कार्य पूर्ण होने के बाद में ध्यान छूट जाता है। ये भावपूर्ण साधक है, पूर्ण फेज से आएंगे, पूर्ण भाव से आएंगे, छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, जब इन पे संकट आता ना आपके ध्यान करेंगे खूब, और जैसे संकट चला गया फिर राह देखते, दूसरा संकट आएगा फिर ध्यान करेंगे। अरे रेगुलर ध्यान करेगा तो संकट कभी आएगा ही नहीं। और दूसरे बुद्धिवादी साधक हैं, बुद्धिवादी साधकों की खूब प्रगति हुई है, आध्यात्मिक खूब प्रोग्रेस हुई है, उनका कोई विश्वास ही नहीं है इस चीज पे कि ध्यान करने से कोई अच्छा हो सकता है, ध्यान करने से कोई भला हो सकता है। तो उसके कारण क्या, उनके कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो ध्यान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ध्यान करके टेंशन मुक्त रहते हैं, ध्यान करके बीपी कम होता है, ध्यान करके शुगर कम होती है, ध्यान करना अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन होता है, बस इतने के लिए ध्यान करते हैं, बाकी कुछ मिलना चाहिए मिलना कुछ नहीं रहता है। तो उनकी अच्छी प्रोग्रेस होती है, अच्छी प्रगति होती है। तो अपेक्षा लेकर के ध्यान मत करो ना, सिर्फ आपको अच्छा लगता है, प्रसन्नता लगती है, केवल इसके लिए ध्यान करो। थोड़ा समझो, मनुष्य के कार्य करने के ना दो स्तर हैं, एक शारीरिक स्तर पर कार्य है तो शारीरिक स्तर के ऊपर तुमको कार्य करते आएगा, एक आत्मिक स्तर पे कार्य है, आत्मिक स्तर पे करोगे तो खूब विशाल कार्य तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे हाथ से हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से तुम अपेक्षा करोगे तो जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी दृष्टि है, जितना तुम्हारा क्षेत्र है, जितनी तुम्हारी पहुंच है, उतना तुमको मिलेगा। और अपेक्षा रहित कार्य करोगे इतना मिलेगा कि रखने को भी जगह नहीं देगी। और ये किताबों की बातें नहीं, जीवन तो मेरे अनुभव बता रहा हूं। इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया था, अब भी कोई अपेक्षा से मत आओ, एकदम करके तो देखो। अपेक्षा रहित जीवन एक 45 दिन करके देखो, 45 दिन में दुनिया बदल जाएगी। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आज आत्म साक्षात्कार का अनुभव लेंगे। एक स्वीट डिश बना करके आज मैं आपको खिलाऊंगा, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा
कि मेरा भी ध्यान लग सकता है, मुझे भी अनुभूति हो सकती है, मैं भी सहस्रार पे स्थिर रह सकता हूं, रह सकती हूं। यह आत्मविश्वास आपको आपके जीवन में आगे काम आएगा कि उस दिन हुआ था बाद में भी हो सकता है। आज हम परमात्मा से आत्म साक्षात्कार मांगेंगे, आज हम परमात्मा से अनुभूति मांगेंगे। अनुभूति कितनी दिव्य है, अनुभूति का संस्कार कितना बड़ा है कि आप सोचो, भारत जैसे धार्मिक देश के अंदर एक मंदिर न बनते हुए कितने सारे आश्रम खड़े हो गए। अपने कोई आश्रम में कोई मंदिर नहीं, सब फ्रेम खाली है, जिसको मानना उसको मानो, कोई भगवान का कोई मंदिर नहीं है। नहीं तो बिना मंदिर का कभी कोई आश्रम नहीं होता। अपने आश्रमों में किसी कोई मंदिर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्रत्येक ने अपने भीतर भगवान का अनुभव किया है, परमात्मा की अनुभूति भीतर की है, अंदर की है। अब भी अनुभूति को प्राप्त करो ना, फिर आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानो, किसी भी धर्म को मानो, किसी को भी मानो। यह अनुभूति का ज्ञान है, यह अनुभूति का नॉलेज है, यह ग्रहण करो, अपने अपने धर्मों को समझो।